संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त 29 साल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ नई फोटो शेयर की हैं जिसमें उनका ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। बता दें कि एक वक्त त्रिशाला ओवरवेट थी लेकिन उन्होंने वजन घटाकर स्लिम लुक पाया था। वजन कम करने के साथ ही उन्होंने अपने लुक्स में भी कई प्रयोग किए थे। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। करीब 30 किलो वजन घटाया था। फैशन वर्ल्ड में आजमा रही हैं किस्मत। त्रिशाला जब हाई स्कूल 2003 में पढ़ाई कर रही थी तब उनका वजन लगभग 90 किलो था। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने अपने फिगर पर ध्यान देना शुरू किया और तकरीबन 30 किलो वजन कम किया था। इसी तरह पिछले 3-4 सालों में उन्होंने कुछ और वजन किया और आज की बात करें तो उनका वेट 58 किलो है। संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी त्रिशाला फिलहाल फैशन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रही है। 2014 में उन्होंने अपनी पहली ड्रीम ट्रेसेज हेयर एक्सटेंशन लाइन शुरू की थी। वे न्यूयॉर्क के जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस से लॉ में ग्रेजुएशन भी कर चुकी हैं। बता दें कि संजय दत्त और ऋचा शर्मा ने 1987 में शादी की थी। त्रिशाला का जन्म 1988 में हुआ था। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से 10 दिसंबर 1996 को उनकी मौत हो गई थी। मां की मौत के बाद से ही त्रिशाला न्यूयॉर्क में अपनी मौसी एना के साथ रहती हैं। हालांकि संजय ने बेटी को अपने साथ रखने की कस्टडी मांगी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। संजय नहीं चाहते थे त्रिशाला फिल्मों में आए। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो नहीं चाहते थे कि त्रिशाला कभी फिल्मों में आए। इसकी वजह ये कि वे चाहते थे कि त्रिशाला अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े और अपना करियर किसी दूसरी फील्ड में बनाए। इसके लिए उन्होंने भी काफी मेहनत की है। संजय का कहना है कि फिल्मों में आने के लिए इंडस्ट्री की भाषा आनी चाहिए। ये ग्लैमर की दुनिया है लेकिन यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। पापा के करीब है त्रिशाला। त्रिशाला पापा संजय के बेहद करीब है। पापा के लिए उनका प्यार इंस्टाग्राम पर देखा जा सकता है। कुछ महीनों पहले उन्होंने संजय दत्त की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, लुक एट दैट स्माइल।